गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन को एक वृत्त में कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन। तो हम लोग जानेंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन को कैसे एक ब्रिज में ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानेंगे कि रेगुलर हेक्सागन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें एक ड्रॉइंग शीट की आवश्यकता है, उसके बाद हमें स्टील रूल की आवश्यकता है नापने के लिए, उसके बाद हमें चाप खींचने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए कंपास की आवश्यकता है, कंपास के साथ साथ हमें एक पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर की जरूरत है। चलिए हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग दो लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देख सकते हैं कि मैंने दो लाइन को ड्रॉ कर दिया और इसमें एक जो पॉइंट मिला उसको ओ नाम से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद दो लाइन खींचने के बाद, ड्रॉ करने के बाद हम लोग कंपास और स्टील रूल के द्वारा 4 सेंटीमीटर की एक नाप, न्यूनतम नाप ले लेते हैं। उसके बाद कंपास के द्वारा आप जब ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे तो कंपास इस पॉइंट बिंदु पर आप कंपास को घुमाएंगे तो एक वृत्त यानी सर्कल नजर आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग इसमें हम लोग हेक्सागन को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जैसे कि ये पूरा ब्रिज को हम लोग 4 सेंटीमीटर नाप के हम लोग ब्रिज बना लिए, उसी तरह वही नाप के 4 सेंटीमीटर ही नाप कर इस पॉइंट से हम लोग चाप खींचना शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट से एक चाप यहां हो गया, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट से कंपास रखकर एक चाप यहां खींच देंगे 4 सेंटीमीटर का, उसी प्रकार इस पॉइंट से इधर से एक चाप 4 सेंटीमीटर का और इस तरफ से एक चाप 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने कंपास के द्वारा और स्टील रूल के द्वारा चाप को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग स्केल के द्वारा इसके पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे यहां से यहां एक पॉइंट मिल गया, उसके बाद यहां से यहां एक पॉइंट, उसके बाद यहां से यहां एक पॉइंट, फिर इस पॉइंट से इस बिंदु को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस बिंदु को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस बिंदु को। तो देख सकते हैं कि हमारा एक रेगुलर हेक्सागन तैयार हो गया। अब हम इसको नाम से डिनोट कर देंगे, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन तैयार हो गया। तो आपको याद रखना है कि आपको सर्कल कितना में खींचना है, 4 सेंटीमीटर या उससे अधिक से भी ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, जब सर्कल को 4 सेंटीमीटर आप ड्रॉ किए हैं 4 सेंटीमीटर नाप के, तो इसका प्रत्येक जो लाइन है, जो हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिला रहे हैं, वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। यानी ए से बी तक का दूरी 4 सेंटीमीटर है, बी से सी तक का दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगा, उसी तरह सी से डी का 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो है एक एक लाइन 4 सेंटीमीटर की दूरी तक होगा। अगर इसमें ज्यादा छोटा बड़ा होता तो समझ जाइए कि नाप में कहीं गलती होगा। तो हम लोग इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह के इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के सभी टॉपिक को जानकारी के लिए आप हमारे क्लास में मौजूद रहें और अटेंड रहें। थैंक यू।